नमस्ते, आप सभी का स्वागत है इलेट्स वेबिनार की इस दुनिया में। जब आप सभी देख रहे हैं कि कोरोना रूपी इस महामारी के बीच लोग एक दूसरे से अलग थलग अपने घरों में बैठे हैं, उस वक्त इलेट्स इन वेबिनार्स के माध्यम से लोगों को एक दूसरे से जोड़ रहा है और कई ऐसे पल साझा करने का मौका दे रहा है जिससे समाज में प्रेरणा मिल सके और कई लोगों की हौसला अफजाई हो सके इस मुश्किल दौर में। और इसी क्रम में आज इलेट्स टेक्नोमीडिया लेकर आया है एक साक्षात्कार वेबिनार के माध्यम से उस व्यक्ति के साथ जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के संघर्ष के बूते एक मुकाम बनाया और हजारों लाखों लोगों को की प्रेरणा का माध्यम बने। हम स्वागत करना चाहेंगे आज के इस वेबिनार के मुख्य वक्ता, जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राजस्थान निर्वाचन आयोग हैं, राजस्थान सरकार में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्री श्याम सिंह राजपुरोहित जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, सभी का स्वागत, आभार। और आज हमारे मुख्य वक्ता श्याम सिंह राजपुरोहित जी का साक्षात्कार के साथ मंत्रणा करेंगे इलेट्स टेक्नोमीडिया, जो कि 17 सालों से इनोवेशंस और कनेक्टिंग पीपल पे काम कर रहा है, उसके फाउंडर और सीईओ डॉक्टर रवि गुप्ता, जिनका मैं स्वागत करना चाहूंगा। डॉक्टर रवि गुप्ता, आपका स्वागत। नमस्ते। और डॉक्टर रवि गुप्ता, नमस्ते मैं रवि आपसे जी। नमस्कार। डॉक्टर रवि गुप्ता मैं आपसे आग्रह करूंगा कि राजपुरोहित साहब का स्वागत करें और इस मंत्रणा को आगे लेकर जाएं। धन्यवाद। नमस्कार, कैसे हैं जी। मेरी तरफ से आपका आभार और धन्यवाद। धन्यवाद श्याम सिंह राजपुरोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और मैं स्वागत करता हूँ सारे जो ऑडियंस जो हमें जूम और लाइव फेसबुक पर देख रही है। आज हमारी जो मंत्रणा है श्याम सिंह जी के साथ है, वो उनके जीवन, उनके संघर्ष, उनके जो उनके जीवन में क्या क्या चैलेंजेस आए, कठिनाइयां आई और कैसे उन्होंने उनको फेस किया और कैसे वो इस मुकाम पर आए। और उसके पहले कि मैं उस पे आ जाऊं और इनके इस आज आज हमारी जो मंत्रणा है उसमें श्याम सिंह जी के जो साहित्य है उसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसके पहले कि हम बहुत गहरे विचारों में जाएं, गहरी मंत्रणा में जाएं, मैं श्याम सिंह जी आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आपने जो कोरोना पे जो कविता लिखी उससे हम जो ये शुरू करते हैं, जिससे जो ऑडियंस है उसको पहले ये जो समझ आए कि हमारे बातचीत का स्वरूप क्या होने वाला है, तो कृपया उसी से जो ये शुरू करते हैं। अभी तो मैंने, चूंकि कोरोना का प्रकोप है पूरे भारत भर में, मैं चूंकि राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व करता हूँ, इसलिए मैंने कोरोना पे एक कविता लिखी है। उसमें 13 बंद हैं। 13 बंद में हर एक बंद का पहला अक्षर अगर मिलाएंगे तो हारेगा कोरोना, जीतेगा राजस्थान, इस तरह से बनता। देख सकते हैं कि हाहाकार मचाती इस महामारी को हराएगा राजस्थान। हा आ गया, हाहाकार मचाती इस महामारी को हराएगा राजस्थान और इस प्रकोप से अपने हर नागरिक को बचाएगा राजस्थान। रेजा रेजा तोड़कर, कोरोना को तोड़ने से ही काम चलेगा, अदरवाइज नहीं चलता। तो हारेगा के बाद में रे आ गया। रेजा रेजा तोड़कर बिखरा कर इस मारक वायरस को प्रदेश से, इसके अस्तित्व को ही मिटाएगा राजस्थान। और गाथा अपने कर्मवीर युद्धवीर वॉरियर्स की गाते हुए, काम करते उनका सम्मान भी जरूरी है ना, तो गाथा अपने कर्मवीर युद्धवीर वॉरियर्स की गाते हुए हौसला अफजाई को उन पर पुष्प बरसाएगा राजस्थान। कोशिशें दृढ़ संकल्प की होती कामयाब सदा ही, निवारक रणनीति के बूते इसको दोहराएगा राजस्थान। रोक कर इस महामारी के महाविनाशकारी रथ को, ध्यान चाहूंगा इस शब्दों पे, रोक कर इस महामारी के महामीनाकारी रथ को देखना एक दिन पूरे विश्व को चौंकाएगा राजस्थान। ना होगी उपेक्षा किसी गरीब की, ना भूखा सोएगा कोई, हर एक जरूरतमंद तक माकूल राहत पहुंचाएगा राजस्थान। जीतेगा के जीत से शुरू होता है,
जी जान से जुटा हुआ है हर अमला सरकार का, और संक्रमण दर शीघ्र शून्य तक लाएगा राजस्थान। तेवर रख कर तीखे जीतेगा का ते, तेवर रख कर तीखे पालना लॉकडाउन की कराते, घर ही में बने रहने का भाव सभी में जगाएगा राजस्थान, और गाद गिरेगी उन पर जो तोड़ेंगे नियम कानून कायदे, गाद गिरेगी उन पर जो तोड़ेंगे नियम कायदे कानून, और अफवाह फैलाने वालों को सख्ती से चेताएगा राजस्थान। रास्ता कठिन है, राजस्थान का राह आया इसमें, रास्ता कठिन है मगर मंजिल तक पहुंचेगा जरूर, रास्ता कठिन है मगर मंजिल तक पहुंचेगा जरूर, कौशल आपदा प्रबंधन का सबको सिखाएगा राजस्थान। राजस्थान का जो जन कल्याणकारी राज की अवधारणा देखो हो रही साकार, अब छान लिया है तो गढ़ कोरोना का गाएगा राजस्थान। राजस्थान का स्थान 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 पर बनाकर क्वारंटाइन और आइसोलेशन केंद्र, स्वस्थ करके संक्रमितों को उनके घर भिजवाएगा राजस्थान। लास्ट राजस्थान का न नतीजा कड़ी मेहनत का अब तो आने ही को है, मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट आने ही है, नतीजा कड़ी मेहनत का अब तो आने ही को है, अपनी विलक्षण विजय का परचम लहराएगा राजस्थान। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत ही सुंदर, और बहुत ही जो अभी जो जो स्थिति है उसको आपने दर्शाया है, अपने संकल्प व्यक्त किया हमारे कोरोना से लड़ने का, जो हमारा राज्य सरकार का बल्कि राजस्थान के एक एक नागरिक का, एक एक अधिकारी का, एक एक कर्मचारी का जो संकल्प है, उस संकल्प को रेखांकित करने का, उसको दोहराने की का प्रयास मैंने किया है। तो मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि श्याम सिंह राजपुरोहित जी सेक्रेटरी स्टेट इलेक्शन कमीशन है, आईएएस अधिकारी है, और राजस्थान सरकार की सेवा में लगे हुए हैं। अब इनसे ये जानना चाहेंगे कि इनकी शिक्षा दीक्षा स्कूलिंग कैसे हुई, इनका जीवन का संघर्ष क्या है, और ये साहित्य के क्षेत्र में कैसे है, इसके बारे में बताएं। श्याम सिंह जी, मैं इसमें ये निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा बचपन जो है ना बहुत बहुत निम्न 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 तीन बार काम में लूंगा मध्यम वर्गीय परिवार, बल्कि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हुआ। कई बार स्थिति होती थी कि सुबह खाने का होता था तो शाम के खाने की चिंता रहती थी कि यार शाम को क्या खाएंगे, या रात को सोते वक्त ये चिंता रहती थी कि सुबह उठकर क्या खाएंगे। मैं इस दौर से भी गुजरा हुआ, बहुत संघर्ष की स्थिति रही थी। मैं एक एग्जाम्पल से बात क्लियर करना चाहूंगा कि एक बार स्कूल में केवल 5 दिन तक मुझे मार इस बात के लिए पड़ी कि मैं किताब नहीं लेके गया, और किताब इसलिए नहीं लेके गया मैं कि मेरे पास पैसे नहीं थे। 1 रुपए 15 पैसे की किताब आती थी, 1 रुपया मैंने जैसे तैसे जुगाड़ कर लिया था, 15 पैसे जुगाड़ करने में मुझे 5 दिन लग गए, ऐसी जरूर निकट स्थिति में। लेकिन मैं इस मामले में मेरी माता का सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। मेरी माता ने मुझे हमेशा संघर्ष करना सिखाया। मेरी माता ने कहा कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इंसान को परास्त करके ऊपर खड़ी हो जाए। तो मैंने उनकी प्रेरणा से, उनकी शिक्षा से और उनके एक तरह से मोटिवेशन से मैंने संघर्ष किया। मैंने बचपन से ही, मतलब जब मैं 8वीं में पढ़ रहा था तब से मैंने कमाना शुरू कर दिया था। मैंने कुछ न कुछ काम इस तरह का मैं करता रहता था जिससे मेरी आजीविका चल सके। मैं जब ग्रेजुएशन के आसपास था तो मैं ग्रेजुएशन में था उस वक्त तो मैंने जोधपुर की इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें कैंटीन चलाई थी, स्टूडेंट कैफे होता वो स्टूडेंट कैफे मैंने चलाया था, और भी नाना प्रकार के दूध बेचने से लेके और वो जितने भी वो छोटे मोटे काम होते वो मैंने सारे काम किए थे। मैं बहुत संघर्ष किया। उसके बाद में मेरी जब टेलीफोन डिपार्टमेंट में नौकरी लग गई थी, मैं टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में 5 साल बाड़मेर में मैंने नौकरी की थी, और उसके साथ साथ मैंने ये भी रखा था कि मैंने ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं रहते हुए किया, और वहीं रहते हुए मैंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा का एग्जाम दिया, और उस एग्जाम में मैं अच्छे नंबरों से पास हुआ, अच्छी मेरिट से पास हुआ और राजस्थान प्रशासनिक सेवा में सिलेक्ट हुआ। जब मेरी वहां से विदाई हो रही थी तो बहुत से लोगों ने कहा तब अब तो श्याम सिंह जी राजपुरोहित की राहों में फूल ही फूल है और खुशियां खुशियां हैं। तब मैंने, हालांकि मेरी लिखी हुई लाइनें नहीं है, प्रेरणा की लाइनें है मेरी है, तब मैंने ये 4 लाइनें उनको पढ़ के सुनाई थी कि जब से चला हूं मैं मेरी मंजिल पे नजर है, नजरों ने कभी नील के पत्थर नहीं देखे, और ये फूल राहों के मुझे कोई विरासत में नहीं मिले, किसी ने कभी मेरे कांटों भरे बिस्तर नहीं देखे।
शानदार शानदार, क्या बात है। तो उसके बाद में फिर मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद में बाड़मेर में टेलीकॉम डिपार्टमेंट में रहते हुए ग्रेजुएशन किया। वहीं से मैंने प्रशासनिक सेवा में प्रवेश किया और प्रशासनिक सेवा में भी संघर्षों का काफी लंबा दौर रहा मेरे साथ में। कई तरह की घटनाएं, खूब दुर्घटनाएं, खूब घटनाएं, जिसको भी चर्चा करते रहे, लेकिन एक ही माता जी का निर्देश, संघर्षों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलते चलते एक स्थिति यह भी आई कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी चयनित हो गया और आज IAS ऑफिसर के तौर पर राजस्थान स्टेट के पूरे जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, मैं उसका पूरा राजस्थान का काम संभाल रहा हूँ, राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव के पद पर। आप ये बताएं कि ये जो आपने अपना जर्नी बताई, जो इतने संघर्ष में थी कि जहाँ पर आपके पास खाने की भी दिक्कत थी, आपको ये नहीं पता कि सुबह उठ के आप क्या खाएंगे, और फिर आपने टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब किया, उसके बाद आप प्रशासनिक सेवा में आए, तो ये अपने आप में एक लंबे संघर्ष की कहानी है। सही कहा आपने। और ये बताएं कि कैसे इस जो ये संघर्ष और ये प्रशासनिक सेवा के बीच में साहित्य का साहित्य से रूबरू कब हुए और कैसे हुए? मुझे शुरू से ही बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत चाव रहा है, बहुत छोटा था तब से ही। मतलब जब लोग अपने स्कूल की टेक्स्ट बुक पढ़ने के योग्य नहीं होते, उस समय तक मैंने उपन्यास पढ़ पढ़ के फेंक दिए थे बहुत सारे। मतलब मेरा ये था कि लगभग दिन में एक किताब तो कोई ना कोई पढ़नी है। आज भी मेरी आदत है कि मैं खाना खाए बगैर रह सकता हूँ, सोए बगैर रह सकता हूँ, लेकिन पढ़े बगैर नहीं रह सकता। पढ़ना मेरी हॉबी है और वहीं से मेरा साहित्य से जुड़ा हुआ। धीरे 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 फिर लिखने का भी उपक्रम शुरू हुआ। मैं हिंदी में, उर्दू में और राजस्थानी में, इन तीनों भाषाओं में गद्य और पद्य ये सभी लिखता हूँ। और अभी तक छपाया मैंने कुछ भी नहीं, क्योंकि ज्यादातर चीजें मैं स्वांतर सुखाई लिखता हूँ। अब सोशल मीडिया तो वहां पे जरूर मैं पब्लिश कर देता हूँ, लेकिन अब कुछ समय बाद में मेरा एक कविता संग्रह राजस्थानी का, एक हिंदी का और एक उर्दू की गजलों का, ये मैं तैयारी चल रही है मेरी, इस पर बहुत तेजी से काम कर रहा हूँ। तो बहुत जल्दी ये तीनों चीजें आम दर्शकों के, आम पाठकों के सामने होंगी। ये जो मेरा साहित्य के प्रति जो रुझान है ना, वो केवल पढ़ने लिखने के शौक की वजह से ही है। तो मेरी आदत यह है कि मैं समसामयिक समस्याओं पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, या और कोई समाज में विद्रूपता है, या किस तरह की जो संप्रदाय की सांप्रदायिकता वाली बातें हैं, उन पे भी मैंने एक गजल लिखी थी। एक ऐसी चल पड़ी है बयार मेरे गांव में, लहू की बह गई एक धार मेरे गांव में, दोनों ही तरफ के लोग हो गए जख्मी, संगो खिस की हुई ऐसी बोछार मेरे गांव में। तो जो राष्ट्रीय स्वर है, राष्ट्रीय सरोकार है, उन पे और समसामयिक घटनाओं पे जो जनता को उद्वेलित करती है, उस पे मेरा लिखने का ज्यादा रहता है। जैसे अभी कोरोना का है, तो मैंने आपको बताया कि कोरोना पे ही लिखा, तो हर आदमी की ये चिंता का विषय है, तो इसी पे मैंने कोरोना पे, इसी तरह से मैं लगभग ज्यादातर मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं समसामयिक जो भी समस्याएं होती उन्हीं पे लिखूं। ये बताएं कि जो आपके आपकी आपका अधिकतर जो ध्यान कविताओं पे है, या आपका आपका ध्यान जो उपन्यास है या ऐसी कहानियां हैं? मेरा कहानियां और कविताएं, गजलें, इनमें ज्यादा है। थोड़ा काव्यात्मक प्रकृति का आदमी हूँ, तो मतलब गद्य की बजाय पद्य पे मेरा ज्यादा फोकस है। बिल्कुल। तो एक आपसे गुजारिश है कि इसके पहले कि हम लोग आगे पढ़े, आप अपने कोई गजल सुनाइए जो आपके बहुत दिल के करीब हो। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक गजल सोशल मीडिया पे जारी की थी, वो सुना देता हूँ आपको। जिस्म की तबीयत संवारने को जी चाहता, शरीर की जिस्म की तबीयत संवारने को जी चाहता है और रूह की रुमानियत उभारने को जी चाहता है। सन्नाटे की चादर ओढ़े इस खामोश झील में, सन्नाटे की चादर ओढ़े इस खामोश झील में, अल्फाजों के कुछ कंकर उछालने को जी चाहता है। कुछ गहरी बातें भी हैं इसमें। दफन है बरसों से सीने में गहरे राज से, नौकरी में मैंने कई चीजें पाई है जो शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसी को मैंने रेखांकित किया है कि दफन है बरसों से सीने में गहरे राज कई,
हर एक राज की सारी परतें उभारने को जी चाहता है। क्या बात है, फूलों से ज्यादा पनप गए, थोड़ी मेरी चिंताएं भी मैं व्यक्त कर देता हूँ इसमें, कि फूलों से ज्यादा पनप गए हैं शहर में बगीचे खार के, खार कहते कांटों को, तो फूलों से ज्यादा पनप गए हैं शहर में बगीचे खार के, और कांटों भरा हर एक बाग उजाड़ने को जी चाहता है। कुछ लोग जो अपने प्रभाव से अपने अपराधों को ढक लेते हैं, उनके लिए काम है कि मुतमईन हो रहे जो पर्दा अपने गुनाहों पर डाल के, मुतमईन मतलब निश्चिंत हो गए, आश्वस्त हो गए, काम को कौन पकड़ेगा, मुतमईन हो रहे जो पर्दा अपने गुनाहों पे डाल के चेहरों से उनके वो नकाब उतारने को जी चाहता है। खतरा हो चला है जिनसे मुल्क के अमनो सुकून को, मुल्क को और मुल्क के अमनो सुकून को खतरा किससे, ये मैं नाम लेके किसी का बताऊंगा नहीं, सब जानते हैं। तो खतरा हो चला है जिनसे मुल्क के अमनो सुकून को, सरपरस्तों समेत, ध्यान दीजिएगा इसमें, उनको खाली उनको नहीं, उनके सरपरस्तों को भी, सरपरस्तों समेत उन सबको उखाड़ने को जी चाहता है, देश से उखाड़ फेंकने को जी चाहता है। अपने बारे में भी लिखा है मैंने, कैद हूं जाने कब से, कैद हूं जाने कब से अपनी अजमतों के कपस में, अजमत होते गरिमाएं, अपनी कुछ सीमाएं गरिमाएं होती है, उन्होंने कैद कर रखा है इस तरह से, वरना पता नहीं क्या कर बैठते। तो कैद हूं जाने कब से अपनी अजमतों के कफस में, हर बेजा बंदिश की दहलीज उलांगने को जी चाहता, जो फालतू की बंदिश है, छटपटाहट हो रही है किसी दिन, अभी तो सेवा में हूँ 20 अक्टूबर 2020 तक, तो तब तक तो बंदिश है ही है, फिर भी मन में तो है कि हर बेजा बंदिश की दहलीज उलांगने को जी चाहता है, और भुला बैठे थे जमाने भर की फिक्र में खुद ही को, जमाने भर की फिक्र में हम खुद को भुला के बैठ गए, घड़ी भर के लिए खुद को निहारने को जी चाहता है, घड़ी भर के लिए खुद को निहारने को जी चाहता है, और कुछ न मिल सका दुनिया जहान की धूल फांस पर, दुनिया भर में भटक लिए क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। यहाँ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कोरोना का संदेश भी आएगा, कुछ न मिल सका दुनिया जहां की धूल फांक कर, कुछ लम्हे अपने घर ही में गुजारने को जी चाहता है। लास्ट इसका छंद है, उसमें थोड़ी मेरी अंदर की उत्कंठा है, वो भी मैंने व्यक्त की है, कि सुनता नहीं कोई श्याम गिरिया की आवाज का सफर, या मेरा नाम भी डाला मैंने, सुनता नहीं कोई श्याम गिरिया की आवाज का सफर, रोटी मिमिया की आवाज का सफर कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनता, तवज्जो जमाने की पाने को अब तो दहाड़ने को जी चाहता है। क्या बात है, धीरे बोलने से काम नहीं चलेगा, तवज्जो जमाने की पाने को अब तो दहाड़ने को जी चाहता है। ये मेरी कोरोना से पहले वाली रचना है। बहुत से लोग पूछते भी हैं कि साहब आप कब लिखते हो, कैसे लिखते हो, उनके लिए अभी भी ना आज ही 4 लाइनें बनाई है, कि मौका हो कोई खास तो लिख लेता हूँ, मौका हो कोई खास तो लिख लेता हूँ, और मन में हो कोई उल्लास तो लिख लेता हूँ, खास मौके पे भी लिख देता हूँ, मन में उल्लास हो तो भी लिख लेता हूँ, और नहीं करता इंतजार में हर्ष के पलों का, नहीं खुशी की आएगी तो ही लिखूंगा, नहीं करता इंतजार में हर्ष के पलों का, जब भी दिल हो उदास तो लिख लेता हूँ, तो लिख लेता हूँ। क्या बात, क्या बात, जब भी दिल अभी शुरू किए, अभी लिखना शुरू किया है, एक ही छंद बना है, शाम तक इसको भी पूरा गजल के रूप में बना देंगे। बहुत शानदार। ये बताएं कि आप प्रशासनिक सेवा में रहे, तो आपका बहुत जगहों पर ट्रांसफर हुआ होगा, बहुत से शहर देखे होंगे आपने, बहुत से गांव देखे होंगे, और एक जो आदमी प्रशासनिक सेवा में होता है उसको बहुत से ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो इतने लोगों से मिलता है, इतने प्रकार के लोगों से मिलना जुलना होता है, इतने प्रकार भांति के आप जो है जगह आप जो है देखते हैं, गांव शहर और अलग अलग समस्याएं देखते हैं, तो कोई ऐसा ऐसे कुछ हुआ किसी आप जगह पर आपका ट्रांसफर हुआ, किसी गांव या किसी शहर से आपको कोई प्रेरणा मिली, या कोई ऐसी घटना हुई जो आपके दिल को छू गई और एक कविता निकल कर आ गई या एक गजल निकल गया, कुछ हुआ ऐसा कभी आपके साथ? मैं
अभी यहाँ इस पद पे आने से पहले कलेक्टर प्रतापगढ़ में था। प्रतापगढ़ एकदम बिल्कुल आदिवासी क्षेत्र है, 90% पॉपुलेशन वहां पे आदिवासी है। वहां मेरा स्कूल के बच्चों पे बहुत ज्यादा फोकस था, बहुत ज्यादा फोकस था। पर आप ताजुब करेंगे, आज भी प्रतापगढ़ से कोई लिंक हो तो आप पूछ सकते हैं। वहां किसी भी स्कूल में जाके मैं खड़ा हो जाता और बच्चों से पूछता, ये बच्चे किसके हैं? वो कहते आपके। तो महाराजा सगर के 60,000 पुत्र थे केवल, महाराजा सगर जो थे उनके 60,000 बच्चे थे, मेरे प्रतापगढ़ में 156,000 बच्चे थे। क्या बात है। मुझे बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव रहा है और बच्चे बहुत मेरे करीब भी रहे हैं। आज भी वहां से प्रतापगढ़ से बच्चों का फोन आता है, वहां की समस्या भी मुझे बताते हैं। तो मैं कई बार उनको पूछे तो मैं तो निकल गया, वहां की समस्या आप मुझे क्यों बता रहे हो? बोले साहब आप सुन लेते और बता देते हो इसलिए। तो ये इस तरह का बहुत अच्छा है कि आपका जो उनसे अटैचमेंट रहा। कोई ऐसी जगह से कोई कविता निकली हो या कोई कहानी निकली? वो मैंने आपको अभी स्टार्ट में जो निवेदन किया था कि एक गजल मैंने लिखी थी कि ऐसी एक जगह पे कहीं सांप्रदायिक दंगा हो गया था और उसमें काफी लोगों के जान माल का नुकसान हुआ, वही मैंने लिखी थी, एक गजल लिखी थी। उसमें 4-6 लाइनें मैंने आपको पहले ही बताई थी कि कैसी चल पड़ी ये बयार मेरे गाँव में, लहू की बह गई एक धार मेरे गाँव में, दोनों तरफ के लोग हो गए जख्मी, इस संगो खिसकी हुई ऐसी बोछार मेरे गाँव में। क्या उसका लास्ट, पूरी गजल तो काफी लंबी है, उसका लास्ट जो छंद था वो मैं मेरी भाषा में उसको करना चाहूंगा कि मैं क्या चाहता हूँ। उसका ये है कि लम्स ए मोहब्बत से जला एक तबीले कुर्बत तुई, उर्दू के भारी भारी शब्द है। लम्स से मोहब्बत, लम्स का मतलब होता है स्पर्श, लम्स से मोहब्बत का मतलब एक प्यार भरा स्पर्श। लम्स ए मोहब्बत से जला एक कंदीले कुर्बत तुई, कंदील कहते हैं दीपक को, रोशनी को, बेलटेन को, कुर्बत कहते हैं सामीप्य को। तो एक सामीपी का दीप अपने स्नेह भरे प्यार भरे स्पर्श से तू ही चला, इस सब सबकी टिकी हुई है नजर श्याम तेरे गांव में। क्या बात है, क्या बात। एक सवाल ये आपका कि जो आपकी जो आप किन मुद्दों पर देखते हैं और आपकी जो है चिंतन की धारा क्या है, आपका विचार क्या है? रवि जी मुख्यतः मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ, डीप सेंस में आध्यात्मिक, इतने सेंस में आध्यात्मिक आप यूँ समझ लीजिए कि कई बार मुझे पूछते हैं लोग के सब आपकी लाइफ का फलसफा क्या, फिलोसफी क्या है? तो कहता आधी लाइन की सिर्फ, हरी करे तो करी, पहले ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। किसी ने पूछ लिया भाई साहब हरी खरी नहीं करे तो मैंने कहा फिर वो हरी नहीं, क्योंकि हरी होगा तो हरी होगा तो वो खरी करेगा। दूसरा मेरा एक अध्यात्म के क्षेत्र में है कि हम लोग धर्म को मानते हैं और हमारे जो महात्माओं को संतों को मानते हैं धर्म को मानते हैं, लेकिन रवि जी ध्यान चाहूंगा आपका इससे, धर्म को तो मानते हैं धर्म की नहीं मानते, ये आपने फर्क देखा कभी? धर्म को मानने वाले सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। मैं कई बार पब्लिक स्पीकिंग में खड़े होकर सामने पब्लिक में लोगों को पूछता हूँ तो साहब आप महावीर स्वामी को मानते हो? बोले हाँ साहब। फिर मेरा प्रश्न होता था महावीर सावजी की मानते हो? तो गर्दन झुक जाती। कभी मैं कहता हूँ भगवान कृष्ण को मानते हो? बोले हाँ। बोले कृष्ण की मानते हो? नहीं मानते। तो गर्दन झुक जाती। मैं कृष्ण को तो मानता ही हूँ, उससे ज्यादा मैं कृष्ण की मानता हूँ। राम को तो मैं मानता ही हूँ, तो ज्यादा मैं राम की मानता हूँ। और ये मेरी मेरी सोच यही है, नजरिया मेरा बात करने का, अध्यात्म का। वो मैं जब प्रशासनिक सेवा में होता हूँ, जब सीट पे बैठा होता हूँ, तो सामने कोई आता है तो मैं ये नहीं सोचता कि ये आदमी कौन है, क्या है, किस धर्म का है, किस जाति का, किस वर्ग का, किस हैसियत का। मेरे सामने ये आता कि मुझे भगवान ने इस सीट पे बिठा रखा है और जो सामने बैठा उसकी सेवा करने के लिए बिठा रखा है। तो मेरी प्राथमिकता रहती है कि मेरे दरवाजे पे कोई आए तो खाली हाथ मिल जाए। क्या आपको लगता है कि आपको कविता और लेखन ने ज्यादा बेहतर प्रशासनिक अधिकारी बनने में मदद की है? बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, जो साहित्यिक सोच होती है ना,
वो साहित्य कहाँ से उपजता, समाज से उपजता। तो समाज की समस्याओं को जितना ढंग से साहित्य रेखांकित करता है वो चीज आपके सामने आती है। मैंने बहुत सी चीजें तो साहित्य से सीखी, मैंने दुनिया भर के आप ताजुब करेंगे अब तक मेरी लाइफ में 10,000 से ज्यादा उपन्यास पढ़ चुका हूँ और पत्रिकाएं और पुस्तकें कितनी है मैं उसका हिसाब नहीं, लेकिन 10,000 से ज्यादा तो केवल उपन्यास विभिन्न भाषाओं के अनुवादित वगैरह पढ़ चुका हूँ। तो हर एक चीज से कुछ न कुछ नई चीज सीखने को मिलती है और वो जो सीखी हुई चीज है वो निश्चित रूप से आपके प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि करती है और आपके प्रशासनिक कौशल को बढ़ाती है और आप में रिफ्लेक्ट होती है, आप पब्लिक को कैसे देख सकते हो उसमें रिफ्लेक्ट होती है। तो मन की जो उद्वेग है, जो मन के उद्वेग है, न केवल उनको शांत करती है बल्कि साथ साथ आपको उत्साह भी देती है। बहुत अच्छा। और ये बताएं कि आपका आपकी शौक ज्योतिष पे भी है और भाग्य और कर्म के बारे में आप सोचते और लिखते रहते हैं, तो इसके बारे में अपने विचार बताएं। मैंने आपको बताया कि मैं डीप साइंस में आध्यात्मिक आदमी हूँ, तो ज्योतिष को भी मैं इसी तरह से बोलते देखता हूँ। महाभारत के अनुशासन पर्व में एक शिव जी का पार्वती का प्रसंग आता है। पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि ग्रह नक्षत्र शुभ और अशुभ फल देते हैं, इसको सोच के सारे लोग ग्रह और नक्षत्रों की पूजा आराधना करते हैं, वो कहां तक सही है इसके बारे में आप मुझे बताइए। तो महादेव जी उनको बड़ी गहरी बात कहते हैं। महादेव जी कहते हैं कि ग्रह और नक्षत्र है ये केवल संकेत मात्र देते हैं, ये खुद कुछ भी नहीं करते। एक तरह से ये मकान नहीं है, मकान का ब्लू प्रिंट है। कर्म तो अपने ही है। दूसरी मेरी अपनी जो ज्योतिष के संदर्भ में या जीवन के संदर्भ में मेरी जो थ्योरी है वो सिर्फ है कि मैं कर्मवादी आदमी हूँ, बाकी को जानता हूँ, बाकी को मानता हूँ, लेकिन बाकीवादी नहीं, कर्म है। और मेरा ये मानना है कि कर्म जो है वो भाग्य का बाप है, बेटा नहीं है। तकदीर जो है वो तकदीर की बेटी है, माँ नहीं है। तो जैसे अवश्य मेव भोक्तव्यम कृता कर्म सुभासुभम, अच्छा या बुरा जैसा भी कर्म किया है वो हमको भोगना पड़ेगा। आज हमारी जो स्थिति है, जन्म पत्री की भी बात है ना, मैं जन्म पत्रियां भी देखता हूँ, आग भी देखता हूँ, मस्त छेखा भी देखता हूँ, पार देखा भी देखता हूँ। तो जन्म पत्री लोग सोचते हैं पता नहीं क्या चीज है। मैं तो यही कहता हूँ कि आपके जो पिछले जन्म में कर्म है ना, उन कर्मों का ये ब्लू प्रिंट है। लोग कहते हैं साहब शनि बहुत दुख दे रहा है, ने मंगल बहुत परेशान कर रहा है, ने गुरु ने बहुत कर रखा नहीं कर रखा। तो गुरु जी और मंगल जी और बृहस्पति जी और शनि जी है, इनका आपको कोई बैर नहीं है। ये तो आपने खुद ने अपने अपने कर्मों से ये तय किया है कि वो आपकी कुंडली में कौन से स्थान पर जाके बैठेंगे, कौन कौन से घर को देखेंगे और क्या क्या उसका प्रभाव पैदा करेंगे। ये ज्योतिष की मेरे बारे में मेरे मन में मोटी मोटी धारणा है। क्योंकि कर्म जो है रवि जी, कर्म तीन प्रकार के होते हैं। एक कर्म होते हैं क्रियमाण कर्म जो अभी हम कर रहे हैं, एक होते हैं संचित कर्म जो हमारे किए हुए कर्मों का एक स्टॉक जो इकट्ठा हो जाता है, वो क्रियमाण कर्म का जो स्टॉक हो जाता है वो संचित कर्म कहलाता है। और जब संचित कर्म फल देने लग जाते हैं वही प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं, जिसको हम भाग्य कहते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि कर्म का बेटा है भाग्य, हमने जो कर दिया वही तो है। ये तो व्हाट्सएप पे एक चलता है ना कि कर्म वो रेस्टोरेंट है जहां आप ऑर्डर करने की जरूरत नहीं होती, आपने पहले जो ऑर्डर दिया है तो वही सामने आएगा। तो इस बारे में मेरी हमेशा सावधान है, मैं जब भी किसी कुंडली भी देखता हूँ तो मैं उनको ग्रहों के सामंजस्य के या ग्रहों की शांति का कोई उपाय नहीं बताता, उनको कुछ ऐसे उपाय बताता हूँ जो उनको अध्यात्म की तरफ ले जाए, जो उनके पूर्व कर्म है उनका ह्रास किस तरह से कर सके, उसमें कमी किस तरह से कर सके, अच्छे कर्म किस तरह से कर सके। ये मेरा जो ध्यान है उनके ऊपर ज्यादा इस चीज पे ही रहता है कि किसी भी तरीके से आप अपने कर्मों को सुधार लीजिए, कुंडली अपने आप सुधर जाएगी, भाग्य अपने आप सुधर जाएगा। आपका शौक आयुर्वेद में भी है, तो उसके बारे में बताएं कि उसमें आपका रुझान कैसे हुआ और वो भी लगभग बचपन से ही मुझे आयुर्वेद से लगाव रहा है। कारण तो मुझे भी नहीं पता क्यों रहा है,
लेकिन बचपन से मैं आयुर्वेद खूब पढ़ता लिखता रहा हूँ, और जो आम धारणा प्रचलित है मैं उसके विपरीत बात करूंगा। मैं ये कहूंगा आयुर्वेद कोई चिकित्सा पद्धति है ही नहीं। बहुत से चिकित्सक सुन के घबरा जाएंगे इस बात को और सोचेंगे पता नहीं राजपुरोहित जी क्यों हमारी दुकान बंद कराने पे तुले हुए है। तो मेरा ये मानना है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है ही नहीं, दरअसल वो जीवन जीने की पद्धति है। आयुर्वेद हमको जीना किस तरीके से, खाना किस तरह से चाहिए, रहना किस तरह चाहिए, सोना किस तरह चाहिए, उठना कब और किस तरह चाहिए, किन किन चीजों के साथ क्या क्या चीजें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, सारी चीजें बताती है। मैंने अपनी तरफ से गुरुओं की शरण में भी जाके बहुत कुछ सीखा है, तो इसी एक चीज पे मैं आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि माइग्रेन एक आज की तारीख में सबसे प्रचलित बीमारी है, जिसको कहीं गाँव में आधा सीसी दर्द कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, और इस पे कई तरह के शोध कार्य भी विश्व भर में हुए हैं, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर्स के पास में, चाहे एलोपैथी के हैं चाहे किसी पैथी के हैं, ज्यादातर डॉक्टर्स के पास में जब भी जाते हैं तो पेन किलर के अलावा, दर्द निवारक के अलावा उनके पास कोई इलाज नहीं है। मेरे गुरुजी ने मुझे इस संबंध में टिप दी थी और टिप के आधार पर मैंने माइग्रेन की सिंगल डोज जो है ना वो डेवलप कर रखी है। अब तक मैं 15,000 से 20,000 लोगों को, इसमें भारत के भी लोग हैं, राजस्थान के हर प्रांत के लोग हैं, और हर वर्ग के, प्रशासनिक वर्ग के, राजनीतिक वर्ग के, पुलिस के, जुडिशरी के, व्यापारी हैं, हर तरह के, हर वर्ग के लोग, और भारत भर में चाहे उड़ीसा ले ले, पश्चिम बंगाल ले ले, चाहे हिमाचल प्रदेश ले, वहां से भी मरीजों के फोन आते रहते, मैं उनको निःशुल्क दवाई भेजता हूँ, और बहुत से लोगों ने तो विदेशों में भी अपने अपने रिश्तेदारों को दवाई भेजी है और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे रहे। तो माइग्रेन की सिंगल डोज ट्रीटमेंट भी मैं इस आयुर्वेद का, बहुत से लोग मुझे कहते हैं आप कौन सी पेती है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, मैं उनको कहता हूँ ये ना एलोपैथी ना होम्योपैथी है, तुम गुरु पे थी, गुरु के द्वारा दी गई चीज है। बहुत से लोगों का, 15,000-20,000 से ज्यादा लोगों का, मैं यहाँ पे कोड भी करना चाहूंगा, केंद्रीय मंत्री जी हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत, वो अब तक कम से कम 150-200 लोगों को मेरी दवाएं भेजा के ठीक कर चुके हैं। एक फंक्शन में तो मुझे उन्होंने मजाक में कह दिया, श्याम जी आप उसको ब्रांड एम्बेसडर बना लो अपनी माइग्रेन की दवा का। बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छा आपने माइग्रेन का भी एक इलाज निकाला हुआ है आयुर्वेद में। अच्छा, इसके पहले कि मैं कुछ और पूछूं, मैं आपसे चाहूंगा कि कोई एक ऐसी कविता जो आपके दिल के करीब हो कुछ सुनाए, तो फिर आगे बढ़े, जो हमारे ऑडियंस है वो उसका बहुत रिक्वेस्ट है जो उनको आ रहा है। मैंने राजस्थानी में भी एक कविता लिखी थी, पूरी तो नहीं सुना पाऊंगा, ज्यादा लंबी है वो, तो उसमें भयंकर गर्मी का जून का महीना था और बरसात आने के लायक माहौल भी बन रहे थे, बरसात थोड़ी सी गर्मी बहुत पड़ रही थी, तब मैंने राजस्थानी में एक कविता लिखी थी। चोमा तेरी चढ़ती बादली गिरता ही भरमावे क्यों, क्यों नहीं बरसे वो रे आंगने करसाने करसावे क्यों, तुमा तेरी चढ़ती बादली। तो ये मेरी कुछ पसंदीदा कविताओं में से एक है, बाकी दो तीन तो मैंने अभी आपके सामने नजर करी दी है। बिल्कुल बिल्कुल, एक कोई अगर हिंदी में हो जो आप जो है सुनाना चाहें, जो ऑडियंस को लोग रिक्वेस्ट आ रही है कि आप कुछ कविता सुना दें। जब नोटबंदी हुई थी उस वक्त मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, उसको नजर कर देता हूँ कि फकत करेंसी बदलने से कितनी मिट जाएगी, फकत करेंसी बदलने से कितनी मिट जाएगी, इस मुल्क में दोस्तों बेईमानी बहुत है, इस मुल्क में दोस्तों बेईमानी बहुत है। कोर्ट ने कालिक किसी की लगे हुए कतार में, आपको ध्यान होगा कि लोगों को पैसे देखे लाइनों में खड़ा करके नोट बदलवाए थे, याद होगा आपको थोड़ा, बिल्कुल बात पुरानी हो गई है लेकिन मेरी उस वक्त बहुत ज्यादा प्रचलित चलता थी। तो ओढ़ में काली के किसी की लगे हुए कतार में, किसी और की काली खुद ओढ़ के कतार में लगे हुए, इन मासूमों के दिलों में नादानी बहुत, बेचारे गरीब मजदूरों को लाइन में खड़ा कर रखा था, आपको ध्यान होगा। फेंक डाली थी मसाले आतिश गर्दों ने उन पर,
फेंक डाली थी मसाले, आतिशगर्द मतलब आग फैलाने वालों ने, झोपड़ियों में मगर बचने की हैरानी बहुत है, झोपड़ियों के मगर बचने की हैरानी बहुत, इतनी फेंकी तो भी झोपड़ियां जली नहीं फिर भी बच गई, कातिल कब से ताक में कत्ल की मगर, कातिल कब से ताक में कत्ल की मगर, उस सच पर परवरदिगार की निगहबानी बहुत, भगवान का हाथ उसके ऊपर बहुत है, आंधियां पील पड़ी है बुझाने को लेकिन, आंधियां पील पड़ी है बुझाने को लेकिन, इस तम्मा में डरने की छानी बहुत है। कविता लंबी है काफी, चार लाइनें मैंने आपको नजर की है, क्या बहुत शानदार, मतलब जो भी खास खास वैसे मौके आए हैं जैसे उस पर मैंने पहले ही निवेदन किया, मैं समसामयिक चीजों पे लिखना ज्यादा पसंद करता हूँ। और आपका जो एक और शौक है वो कुकिंग है, उसके बारे में बताएं। देखिए मैं राजपुरोहित परिवार से बिलोंग करता हूँ और राजपुरोहितों के डीएनए में ही कुकिंग है। मैंने आपको पहले निवेदन किया था कि मैं जब संघर्ष के दिनों में मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज की कैंटीन चलाई थी, जोधपुर की एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनका जो कैंटीन कैफे होता है वो मैंने 3 साल तक चलाया था। उस दौरान मैंने खाने पीने की पकाने की सारी चीजें मैंने उस दौरान सीखी थी, फिर इसको एक हॉबी के रूप में एक शौक के रूप में विकसित किया। तो आज स्थिति है कि सभी तरह की मिठाइयाँ, सभी तरह की नमकीन और जैसे जोधपुर के कोफ्ते, मिर्ची बड़े, कचौरी, समोसे और गुलाब जामुन से लेके हलवे तक और जलेबी से लेके इमरती तक, क्या बात, और जितनी तरह की सब्जियां जो है, सारी सब्जियां, चाहे वो आपके जोधपुर की चक्की की सब्जी है, जोधपुर की गुलाब जामुन की सब्जी है, या जैसे सर्दियों में हल्दी की सब्जी है, ये सारी मुझे बनाने का शौक है और मैं जनरली बनाता रहता हूँ, घर में भी बनाता रहता हूँ। और मजे की बात है, अभी कोरोना के दौरान जो लॉकडाउन है उसमें तो डेली कुछ न कुछ कुछ न कुछ बनता ही है। अभी कल ही रात को मैंने दाल बादाम का हलवा बनाया है, आप आते ही आपको खिला देता हूँ। चलिए जब ये लॉकडाउन खत्म हो तब आपसे आपसे आपके पास आते हैं। और एक कोई आपके पास ऐसा ऐसी जो घटना हो जो बचपन में जो बड़ी याद वाली घटना हो, जो गुदगुदाने वाली घटना हो, इंटरेस्टिंग घटना हो। इंटरेस्टिंग एक छोटी सी गुदगुदाने की घटना तो ये है कि मैं पहली बार स्कूल गया था क्लास 1 में, पहली बार स्कूल गया था, पहली क्लास में जब भर्ती हुआ था, अच्छा, पहली बार पहला दिन स्कूल का, तो उसमें जाके बैठे, उस वक्त स्लेट पेंसिल होती थी, बर्तन पेंसिल होती थी, तो जाके मैं चुपचाप से गुड़ू गुड़ू सा जाके बैठ गया। तो जो बेंची थे हमारे मैडम थे वो आए, उन्होंने मेरे हाथ से स्लेट ली और उस पे उन्होंने अ लिख दिया। अब राजस्थान के तो मारवाड़ी प्राइमरी स्कूल में मारवाड़ी ही चलेगी, तो मैंने उनकी तरफ ऐसे कोतूहल से देखा, उन्होंने वो पकड़ा के स्लेट पकड़ा दी मेरे को हाथ में, वो बर्तन पकड़ा दिया हाथ में। मैं पूछा बहन जी इन्हों का ही करूं, बोले इन्हें माथे माथे फेर, मतलब इसके ऊपर ऊपर पेंसिल से। अब मैंने तो मैंने पूछा कि मेरे माथे माथे फेर दिए। वो कभी भी बहन जी मिलते मुझे देख के बेस आकता जाते। ऐसे ही बचपन में बच्चे बहुत शरारती होते हैं, आपको पता ही है, बच्चों में थोड़ी चीटिंग करने की भी आदत रहती है। तो मैं जोधपुर में था और मेरे मदर वगैरह सब गांव गए हुए थे, मैं और मेरे बड़े भाई वहां पे रहते थे, तो खर्चा चलाने के लिए उन्होंने गांव से 30 रुपए भेजे मेरे, तो वो जो देने वाला था वो मुझे दे के चला गया। अब मेरे तो चीटिंग आ गई मन में कि भाई इसमें से कुछ न कुछ तो गायब करना ही है अपने को, तो मैंने उस लेटर में जो 30 रुपए लिखे थे ना, तो मैंने 0 को 9 बना दिया और 1 रुपया लेके जो भी चीजें खानी थी बाजार में उस जाके आइसक्रीम वगैरह कुल्फी वगैरह जो भी खानी थी खा पी ली। शाम को बड़े भाई साहब घर आए, मैंने चिट्ठी पकड़ा दी और 29 रुपए पकड़ा दिए। 29 रुपए लेके भाई साहब ने गिने, चिट्ठी देखी, बोले इसमें तो 39 रुपए लिखे हुए हैं, 10 रुपए कहाँ गए? और मैंने कहा मैं तो 1 रुपये लियो। क्या के 0, 0 को 2 तो बना लिया, 3 को 2 ही। ये कुछ गुदगुदाने वाली घटना, आज भी भाई साहब जब भी मिलते हैं तो उस घटना को याद करते हैं तो बड़ी हंसी आती है। ऐसे खूब सारे प्रसंग है, बचपन से मैं शरारती काफी रहा था, तो कुछ न कुछ शरारते मैं तो करता ही रहता था।
एक बार हम क्लास में थे तो सर्दियों का टाइम था, तो एक बिल्ली का बच्चा कहीं से क्लास में आके बैठ गया था। उस वक्त वो उस तरह की डेस्क होती थी खुलने वाली, तो मैंने उसको बिल्ली के बच्चे को चुपचाप जाके डेस्क के अंदर रख दिया। चलती चलती क्लास में उसके चूचा सुख दी, तो जिसकी डेस्क में रखा हुआ वो भी अकबका ही अंदर किया है। तो जैसे ही उसको खोला तो बिल्ली का बच्चा कूद गया बाहर। अब इतने बच्चों को देख के वो इतना हड़बड़ा गया, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, और सर भी अचकचा गए। पूरी क्लास में कोहरा पूरी क्लास में कोहरा मच गया कि पता नहीं हुआ क्या है। तो इस तरह की खूब सारी घटनाएं हैं। वैसे तो बखान करने बैठ जाए तो कई घंटे लग जाएंगे उसमें। एक चीज ये बताइए कि गीता और रामचरितमानस में से कभी आप इंस्पायर हुए, इसलिए कि आपका अध्यात्म का आप पे आपका शौक है वो आपका? मैं एक्चुअली आपको ये बताना चाहूंगा कि बचपन से ही मैं गीता के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित रहा हूँ, और लगभग सारे 700 श्लोक मेरे को कंठस्थ हैं। गीता के सभी श्लोक मेरे को कंठस्थ हैं, और रामचरितमानस भी नियमित रूप से मैं पढ़ता रहा हूँ। ये दोनों ही ग्रंथ जो है ना आदमी को जिंदगी जीने का तरीका सिखा देते हैं। जैसे गीता है तो गीता से मुझे एक चीज जो सबसे ज्यादा सीखने को मिली है, गीता में एक संदेश है कि उद्रेत आत्मना आत्मनम न आत्मनम अवसादेत आत्मे भी आत्मनो बंधुर आत्मे रिपुरात्मना। मतलब क्या है कि मनुष्य को ये चाहिए कि अपना अपने आप को ऊंचा उठाने के, अपने आप की प्रगति करने का, उत्थान करने का प्रयास करे। हमेशा अपने आप को ऊंचा उठाने का प्रयास करे, ऐसा कोई प्रयास नहीं करे जिससे वो नीचे गिरे। उद्रेत आत्मना आत्मना न आत्मानम अवसादेत, अपने आप को नीचे लाने का काम नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि आत्मे ही दिपु आत्मना, आप मनुष्य का शत्रु भी आत्मा ही है और मित्र भी आत्मा। तो हम खुद ही अपने शत्रु, हम खुद ही अपने मित्र हैं। गौतम बुद्ध ने जैसे कहा था आत्मदीपो भव, अपने आप को ही जागृत करो, अपने आप को जगा रहो। तो ये मैंने सीखा था, वो गीता सीखा मैंने। दूसरी एक चीज में बहुत ध्यान में लाना चाहता हूँ कि लोग ये सोचते हैं कि ज्ञान कोई प्रोडक्ट है जो आपके अंदर आएगा। ज्ञान कोई टेबलेट नहीं है, कोई गोली नहीं है। ज्ञान कहीं से आता भी नहीं है ना कहीं जाता भी है। ये चीज मेरे को गीता से सीखने को मिली है कि ज्ञान कहीं भी नहीं जाता है ना कहीं से आता है, ज्ञान आप में पहले से ही है। पूरी गीता सुनाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते कचित कोई एकाग्र, तो तूने मेरी इस बात को बहुत गौर से सुना है, एकाग्र होकर सुना है, तो तुझे क्या प्राप्ति हुई है, क्या लब्धि हुई है, क्या मिला है तेरे को? तब अर्जुन ये नहीं कहता कि मुझे ज्ञान मिल गया या मैंने ज्ञान पा लिया है। ज्ञान चूंकि बात से आते ही नहीं, तो अर्जुन क्या कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत् प्रसादान्वयामि, हे कृष्ण आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्ध्वा मुझे याद आ गया, यानी कि ज्ञान तो मेरे अंदर था ही पहले से। नष्टो मोह नष्ट हो गया। एक दर्पण होता है ना, कांच दर्पण है, उसके ऊपर जब धूल लगी हुई होती है तो हम उसके सामने खड़े होते हैं तो हमारा चेहरा दिखाई नहीं देता। जैसे उस कांच पे कपड़ा मारते हैं तो हम उसके अंदर दिखने लग जाए, हमारा रिफ्लेक्शन उसके अंदर आने लग जाता है। तो ऐसे ही आत्मा के ऊपर मोह का पर्दा पड़ा रहता है, तो हम अपना स्वरूप देख नहीं पाते, अपने आप को जान नहीं पाते, अपने आप को समझ नहीं पाते। इसलिए अर्जुन कहता है कि नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति लब्ध्वा मुझे याद आ गया, त्वत् प्रसादान मया अचुत, हे कृष्ण आपकी कृपा से। और आगे क्या कहता है, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत् प्रसादान मया अचुत इसकी तो अस्मि गत संदेह करी सेवतनम, कि मुझे आपकी कृपा से जो ना स्मृति प्राप्त हो गई है और उस स्मृति पे मैं एकदम स्थित हो अस्मि, और गत संदेह मेरे सारे संदेह सारी शंकाएं सारे विकल्प है ना वो खत्म हो गए। एक चीज तो ये मैंने गीता में से पाई। दूसरा मैंने आपको शुरू से कहा कि मैं हरि करे तो खरी इस पे ज्यादा विश्वास करता हूँ, और उसका कारण भी अपने आप में गीता ही है। गीता में भगवान बड़ा अच्छा सा आश्वासन देते आदमी को कि अनन्या चिंतयंतो माम ये जनाः पर्युपासते, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, अनन्या चिंतयंतो माम
ये जना परियुपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमं वहामि। ऐसे लोग जो मुझे ही मानते हैं, मेरा ही चिंतन करते हैं और मेरे बारे में ही सोचते हैं, मेरे बारे में विचारते हैं, मेरे ऊपर ही निर्भर करते हैं, उनके योग और क्षेम का चिंतन मैं करता हूँ। योग का मतलब जो आपको मिला हुआ नहीं है वो देना, और क्षेम का मतलब जो आपको मिला हुआ है उसको बरकरार रखना। तो जब ईश्वर का इतना बड़ा आश्वासन है तो उसके बारे में फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। इसी चीज को रामचरितमानस में सुग्रीव को भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, सका सोच त्यागो बल मोरे सब विधि गतम काम। तू मेरे भरोसे सारी चिंता भूल जा, तेरी जो भी काम होगा सारा काम मैं करूंगा। तो ईश्वर का एक संदेश है मैं हूं ना, मैं उसको पकड़ के चलता हूँ। और मेरा आध्यात्मिक दृष्टिकोण में ही है कि ज्यादातर लोग ईश्वर को नहीं चाहते। मैंने पहले जो दूसरी बात कही थी उसमें ही और विस्तार करूंगा। ज्यादातर लोग ईश्वर को नहीं चाहते, ईश्वर से चाहते। ईश्वर को नहीं चाहते, ईश्वर से चाहते। छोटे से एग्जांपल जिसने मुझे आध्यात्मिकता के बहुत बहुत बचपन में जिस चीज ने मेरे को जोड़ा, मैं उस घटना को अक्सर मंच पे भी मैं इसको शेयर करता हूँ। एक मेरे फ्रेंड के घर चला गया था मैं, उसके चार भाई थे, फादर उसके रेलवे में थे, 10 तारीख को रेलवे को तनख्वाह मिलती है, 1-10 तारीख में उनके घर चला गया था। तो उसके फादर खाली हाथ नहीं है, तनख्वाह मिले तो खाली हाथ नहीं है, एक जूते का डब्बा हाथ में था, एक खिलौना का डिब्बा हाथ में था और एक बिस्किट चॉकलेट का डिब्बा उनके हाथ में था। तो वो बड़ा बेटा तुरंत दौड़ गया कि पापा जो जूते लाए वो मेरे हैं, वो जूते का डब्बा छीन के भाग गया। दूसरा आया कि पापा जो खिलौने लाए हैं वो मेरे हैं, वो डब्बा लेके भाग गया खिलौने का। तीसरा बच्चा आया, वो बोला कि पापा जो चॉकलेट टॉफी वगैरह लाए बिस्किट लाए वो मेरे हैं, वो लेके भाग गया। अब उनका सबसे छोटा वाला भाई था, वो करीब करीब 3.5-4 साल का था। पापा के हाथ हो गए खाली, पापा के हाथ में कुछ नहीं था। तो बच्चा दौड़ के आया पापा के पास में और पापा के पाँव को दोनों हाथों में से लपेट के बोला, पापा मेरे हैं। उसके फादर उसको तुरंत बच्चे को लेके गए बाजार। और आप ताजो माने सच्ची घटना ये, आधे घंटे बाद में जब पापा जी वापस आए तो बच्चे के हाथ में खिलौने भी थे, बच्चे के हाथ में जूते भी थे, बच्चे के हाथ में कपड़े भी थे, मिठाइयां भी थी, सारी चीजें थी। अब जब पापा मेरे हैं तो सारी चीजें मेरी हैं, मैं पापा से क्या चाहता हूँ, पापा को ही चाहूँ ना। ये यथा माम प्रपद्यं से ताम सफेद बजाऊ मैं हूँ, गीता में कहते हैं कि जो मेरा जिस भाव से चिंतन करता है मैं उसको उसी परिणाम में फल दूँ। यो यो याम याम तो बच्चे जो जैसे जैसे भाव से मुझे आह्वान करते मैं उनको वो सारी चीजें देता रहता है। बहुत ही ये उनका आश्वासन है। बहुत ही कमाल की आपने कहानी सुनाई जो उनको छू गई जिसका आज है। और इसमें बीच में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि मेरी गीता के प्रति इतनी दृढ़ आस्था थी। गीता को पूरी पूरा शब्द अगर गीता का पूरा नाम लेते हैं तो वो अति श्रीमद् भगवत गीता। मेरा जो बचपन से लगाव था ऊपर वाले ने उसको ताड़ लिया तुरंत। तो मेरी शादी हुई तो मेरे ससुर जी का नाम है भगवत, तो मेरी वाइफ अनफॉर्चुनेटली 3 साल पहले उनकी डेथ हो गई, तो उनका नाम है गीता। तो भगवत गीता स्वतः स्वाभाविक रूप से मेरे घर में। क्या बात है, क्या बात है। बीकानेर में एक बार कोई भास्कर में उसके लेकर कोई इंटरव्यू छपे थे तो बोले मेरे को कि साहब आप गीता से क्या ख्याल रखते हैं। मैंने साहब मैं गीता के प्रति समर्पित हूँ पूर्ण भाव से। जो व्यक्तिगत जानते थे उन्होंने बड़े कटाक्ष किए। गीता और रामचरितमानस मुझे रामचरितमानस में जो किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, ये तो मुझे पूरे कंठस्थ है, जैसे कि जैसे है वैसे जैसे कंठस्थ है। गीता लगभग मैंने बताया 700 श्लोक है, करीब कहीं से भी उठा के प्रसंगवश जहाँ भी चर्चा चलती है उनको मैं काम में ले लेता हूँ।
तो मेरी जिंदगी में जो भी उपलब्धियां हैं, मैं उन उपलब्धियों का सबसे पहला श्रेय तो मेरी माता जी को देता हूँ, और उसके बाद में जो दूसरा श्रेय, ये जो पुस्तक माता है उनको मैं देता हूँ। इन्होंने मुझे बहुत सिखाया, बहुत पढ़ाया, आज जो कुछ भी मैं हूँ तो मेरे इन साहित्य की वजह से, मेरी पढ़ने लिखने की रुचि की वजह से, विद्वानों की संतों की सभाओं में भी मेरा नाम बड़े सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है, उसकी एक ही वजह कि मेरा जो रुझान है इन ग्रंथों की तरफ। एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि आपका आपने अपनी प्रशासनिक सेवा में बहुत से जिलों में काम किया, बहुत सारे पदों पे काम किया, कौन सा ऐसा कोई ऐसा जिला या कोई ऐसा विभाग जहाँ पर आपने काम किया और आपको बहुत ही वो आपके लिए यादगार है, कुछ ऐसा हुआ हो या कुछ ऐसा आपने किया हो या कोई ऐसी चीज हुई है जो आपको जो है छूट गई हो, ऐसा ऐसा कोई प्रकरण हो जो आप बताना चाहें? दो तीन है वैसे तो। मैं सबसे ज्यादा देखिए मेरी प्रकृति जो है ना वो शिक्षण की ज्यादा है। मैं एक तरह से शरीर से प्रशासक हूँ लेकिन मन और आत्मा से तो मैं एक शिक्षक हूँ, टीचर हूँ। तो मुझे जब भी पढ़ने पढ़ाने का कोई मौका मिलता है मैं कोई मौका छोड़ता नहीं। तो मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किया था कुछ समय पहले, मेरी 2018 में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उसमें मेरा पदस्थापन हुआ था, तो वहां मैंने कई तरह के नवाचार भी किए थे, शिक्षकों की भर्ती में भी मेरा बहुत बड़ा रोल रहा था। और वहाँ जो एक तरह से क्वालिटी एजुकेशन किस तरह की हो उस पर मैंने बहुत काम किया, तो उसका मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है। दूसरा, मैंने आपको अभी हाल ही में जो प्रतापगढ़ का था मैंने बताया, तो मैं ज्यादातर समय बच्चों के बीच में गुजारता था, उनको पढ़ाने चला जाता था, उनको सिखाने चला जाता। मैंने कोचिंग क्लासेस वहाँ पे आदिवासी बच्चों के लिए सरकारी खर्चे पे कुछ और लोगों से पैसे लेके कुछ और चीजें करके और उनको किया था, उसमें काफी अच्छे रिजल्ट भी आए थे। आदिवासी हल्के की लगभग 30 के करीब बच्चियां जो है ना वो मेडिकल एजुकेशन में विभिन्न जगहों पे वो सिलेक्ट हुई थी। वहाँ मेरा हालांकि प्रवास थोड़ा कम ही रहा था, मदद मिल नहीं रहा था, लेकिन वहाँ भी मैंने कोचिंग का बहुत, बच्चों के कोचिंग का मैंने बहुत ध्यान रखा था। वहाँ की एक आदिवासी बच्ची है उसको मैंने गोद भी लिया था दीपावली पे, वो मेरे यहाँ पे रहते भी गई थी, उसका भी सोशल मीडिया पे खूब अच्छा खासा चला था। तो वो मेरी उपलब्धि है। मेरा ये कि जो मेरे पास में आ जाता है मैं उसकी मदद, अभी प्रतापगढ़ की एक छोटी सी घटना बताता हूँ मैं आपको। एक मेरे पास में एक बुढ़िया आई काफी बुजुर्ग थी, लगभग आप समझ लीजिए 80+ होगी, आप ताज्जुब करेंगे रवि जी, उसके 4 बच्चे थे, चारों एक से एक अच्छे स्थान पे लगे हुए, तो बुढ़िया को फिर भी खाने के टोटे पड़ते थे। तो वो पूछती पूछती बाजार में घूम रही थी कि मेरी कोई मदद करे, मेरी कोई मदद करे। उस वक्त मेरा पदस्थापन था और मैं पब्लिक में बहुत लोकप्रिय था, अपने मुंह से तारीफ करना अकेले बनी आप उसको, पर जनता में बहुत लोकप्रिय था। किसी ने सोचा एक ही बात थी उसको, तू तो सीधी कलेक्टर से लिखा, वहां कलेक्टर साहब को मिले, तेरा काम सिर्फ उनके सामने खड़े होना है, बाकी तुझे कुछ भी नहीं करना। तो वो आगे मेरे पास में आके मैंने तत्काल फिर उनके बेटों बेटों से बात की, वो सीधी प्रशासनिक भाषा में हड़ताने वाली बात की। मैंने कहा सेक्शन 125 में मैं मुकदमा दर्ज करूंगा और याद रखना नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो SDM उस वक्त विनोद कुमार मल्होत्रा थे, अभी भी वही है, वो भी साथ बैठे हुए थे। उन्होंने तत्काल फिर बच्चों ने पैसे वैसे उसके खाते में जमा कराए थे, मेरे फोन करते 2 घंटे में जमा कराए थे। तो वो जो लेडी थी ना उसने बड़ी अच्छी बात की, मुझे आज भी अच्छी लगती है कि साहब पहला तो हमारे 4 ही बेटा था, हमारे 6 बेटा है, एक मैं और एक अब हमारे 6 बेटा है और ये 4 मोटा बेटा है, मतलब इन 4 से बड़े बेटे। ऐसे ही था। ऐसे एक और किस्सा प्रतापगढ़ का ही है और बताता हूँ। एक विकलांग था, बिल्कुल ही मतलब नीचे पांव बिल्कुल नहीं थे उसके, एक तरह से खिसक के सिमट के चलता था, घिसट के चलता था। वो एक दिन कलेक्टिव में आ गया, तो कलेक्टिव 2nd फ्लोर पे थी, तो पता नहीं कैसे वो चढ़ के आ गया। मेरे को थोड़ा कैमरे से बाहर दिख गया कि मेरे ऑफिस के बाहर आ गया वो, तो मैं चैम्बर से उठ के सीट से उठ के उसको एक बात किया, उसके पास जाके मैंने पूछा क्या तकलीफ है। बोले साहब मेरे गैस का कनेक्शन नहीं दे रहे, मैं 6-8 महीने से साल भर से परेशान हो रहा हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं दे रहे हैं। तो इतने में मैंने गैस वालों को फोन किया,
उन्होंने हाथवा दे दिया। उसको मैंने पूछा, मैंने कहा तू मेरे पास आया क्यों? बोले साहब एक दिन टीवी पे आपको देखा था, मुझे लगा ये आदमी है वो है जो मेरा काम करेगा। क्या बात है, क्या बात। तो लास्ट में मेरे ख्याल समय पूरा होने को है। हाँ। या समय है अभी? समय है, आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, एक चीज तो मैं सबसे शेयर करना चाहूंगा जो मेरा एक तरह से मोटो है, हर एक आदमी से मेरी उम्मीद रहती है। एक नजीर साहब एक शायर हुए बड़े अच्छे, उनका एक शेर शेयर करना चाहूंगा आपसे। चल ए नजीर कुछ इस तरह से कारवां के साथ, चल ए नजीर कुछ इस तरह से कारवां के साथ कि जब तू न चल सके तो तेरी दास्तान चले। जब तू न चल सके तो तेरी दास्तान चले। और मेरे अपने बारे में कह सकता हूं मैं कि हवादिसों से उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है। हवादिस कहते कठिन परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां। हवादिसों से उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुझे दुश्वारियों में अश्क बरसाना नहीं आता। क्या बात है, मुझे दुश्वारियों में अश्क बरसाना नहीं आता। मैं तो आदि हूँ तूफान का, मैं तो आदि हूँ तूफान का, मुझे तो मंझदार में ही ले चलो। डरा सकती नहीं हरगिज मुझे डूबे हुओं की दास्तान। ये चंद बातें थी आपके साथ में, और आप पूछना चाहे तो मैं बहुत उम्दा। और हमारा वक्त बस खत्म होने वाला है, बस जाते जाते आपने कोई कविता माँ पर लिखी है, एक तो किसी ने पूछा है कि अगर आप चाहेंगे इसको। मैं अभी मैंने माँ पे मातृ दिवस पे लिखी थी, आप 2 मिनट का समय देंगे तो मैं निकाल के बता दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब तक श्याम सिंह जी वो कविता ढूंढ रहे हैं, मैं बात कर सकता हूँ ढूंढते ढूंढते आप बात करने को। नहीं नहीं, मैं तो कुछ और। ये थी कि जग में सबसे न्यारी माँ, जग में सबसे न्यारी माँ होती है सबकी प्यारी माँ, मुझे सुलाने को खुद जगती होती सजग दुलारी माँ, खुद भूखी रहकर खिलाती सबको स्वभाव से ही उदारी माँ, उदार स्वभाव की, आंचल ओट छुपा के करती बच्चों की पहरेदारी माँ, अनुभव सुना मुझे सिखा दी। मैंने मेरी जिक्र किया था कि माँ ने मेरे को बहुत खुददारी सिखाई थी, तो अनुभव सुना मुझे सिखा दी सच्ची दुनियादारी माँ, और कर्म का मर्म बताकर तो मुझ में भरती खुददारी माँ, कष्ट सहे और मुझको पोसा, कष्ट सहे और मुझको पोसा, यह तेरी ही बलियारी माँ मुझको इस दुनिया में लाई, मैं हूं तेरा आभारी माँ। चर्म के जूते, ध्यान चाहूंगा इन लाइनों पे, चर्म के जूते बना दू तो भी, चमड़ी खुद की चमड़ी छील के जूते बना देना, चरम के जूते बना लू तो भी न चूके तेरी कर्जेदारी माँ, माँ का कर्जा नहीं चुक सकता तेरे। आदमी जिंदगी में गलतियां बहुत करता है, माँ बाप तो माँ तो माँ करने को होती है, लेकिन बच्चे तो गलतियां करते ही करते हैं। इसी को मैंने लिखा है कि तेरे उपकार भुलाकर मैं सर बैठा भूले भारी माँ, पुत्र को पुत्र तो होते ही है न होती कुमाता नारी माँ, मैं तेरा ही अंश, मैं तेरा ही अंश यही सोचकर बख्श दे भूले सारी माँ, मेरी सारी गलतियां माफ कर दे। लास्ट छंद उस पर ध्यान चाहूंगा कि चाहूं फिर से बच्चा बनकर, चाहूं फिर से बच्चा बनकर मैं पाऊं गोद तुम्हारी माँ, पाऊं गोद तुम्हारी माँ।
शानदार शानदार। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी, बहुत ही इतनी अच्छी वार्ता हुई आपसे और इतना कुछ मुझे जानने को मिला और आपके जो जीवन की जो घटनाएं संघर्ष है और कैसे आपने जहाँ भी आप गए हैं जिन भी जिलों में गए आपने शिक्षा पर ध्यान दिया, बच्चों के साथ से काम किया, पढ़ाने पे काम किया और साथ साथ अपनी लेखन और कविताओं पे इतना ध्यान दिया है कि आज इतना आज लोग आपको चाहते हैं, आपका आप अगर चैट देखें या कमेंट्स देखें लोग इतने इतना अप्रिसिएशन इस पे दे रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद आपकी प्रतिभा और आपके आपका जो ये शौक है आयुर्वेद से लेकर अध्यात्म से लेकर कविता से लेकर पद्य से लेकर गद्य तक सब उसकी कृपा है, सब उसकी कृपा है। तो जो और मेरा जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आपको श्याम जी की कविताएं अच्छी लगी, श्याम जी का लेखन अच्छा लगा, श्याम जी के विचार अच्छे लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे कि इनकी जो कविताओं की जो वाणी है वो दूर दूर तक पहुंचे और भी लोग इस इनसे इंस्पायर हों, इनसे लोग प्रेरणा लें और श्याम जी जैसे और लोग जो है समाज में और लोग इंस्पायर होकर आगे बढ़े, तो यही हम लोग की कामना है। और श्याम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे बस इतना पूछना चाहूंगा कि एलेट सीओ जो कोशिश कर रहा है कि ऑनलाइन माध्यम से हम लोग जो जो समाज में जो गुड़ी लोग हैं, जो लोग प्रतिभावान लोग हैं, हम उनको इस कार्यक्रम में ला रहे हैं, उनको जनता से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि संवाद बने लोगों में और प्रेरणा बने। तो इस ये जो इलेट्स की जो कोशिश है इस पे आपके कुछ विचार है तो बताएं। मैं क्योंकि आपके उपक्रम से जुड़ा हुआ तो पहले से ही हूँ, लेकिन आज रूबरू इस तरह से बात करने का पहले मौका मिला है। ये जो इस तरह के प्रयास है लोगों में जागरूकता, आप देखिए समाज में नकारात्मकता बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही है, उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए जो सदप्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं, इस तरह से सकारात्मक लोगों, मुझे बताया था कार्तिक जी जब मेरी बात हुई कि सब तक 50-51 आईएएस अफसरों के और मगुनी जनों के आपने इंटरव्यू प्रसारित करिए, तो ये जो सकारात्मक सोच वाले जो लोग हैं उन लोगों को जितना आप आगे बढ़ाएंगे, जितना उनको पब्लिक के सामने पेश करेंगे, पब्लिक उनसे रूबरू होगी, उनसे बातें सुनेंगे, उनकी जानकारी, तो उनके दिमाग में जो धुंध है, जो कोहरा छाया हुआ है, वो कोहरा हटेगा और एक दूसरे के प्रति सौहार्द का वातावरण पैदा होगा, एक दूसरे के प्रति सामंजस्य का और एक तरह से राष्ट्र को भी एक शांत माहौल मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा। ये बहुत अच्छा प्रयास है और मैं बाकी समापन के तौर पर बात समाप्त करते हुए इतनी बात करना चाहूंगा, एक आदमी को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। रात चाहे कितनी गंभीर हो, कितनी गहरी हो, कितनी काली हो, तो दिन का उजाला होने से रोक नहीं सकती, कितनी लंबी हो, कितनी काली हो, कितनी गहरी हो, रात है कैसे भी हो, लेकिन वो दिन में दिन का उजाला यानी सूरज का उगना रोक नहीं सकती। अब जब समय खराब आता है उसको धैर्य के साथ में देने, दिल में सुलगते अरमानों की सम्मान जलाए रखिए, सुबह होने को ही है माहौल बनाए रखिए। क्या बात है, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। और ये कोरोना के वक्त में ऐसा जो संदेश उन्होंने दिया है तो बहुत उत्साह बढ़ाने वाला संदेश है, तो इसी के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को ही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी और बहुत बहुत धन्यवाद पल द ऑडियंस। आप लोग इलेट्स के चैनल से जुड़े रहिए, हर रोज हम लोग एक नए वेबिनार कर रहे हैं और गुड़ी जनों के साथ कर रहे हैं जिनसे बहुत बहुत जो है सीखने और जानने को मिलता है। तो इसी के साथ मैं भी आप सभी का और सारे दर्शकों का, सारे श्रोताओं का जो भी जुड़े हुए हैं उन सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार।